आज हम ICSE के क्लास नाइन्थ का जो अंडरस्टैंडिंग कंप्यूटर एप्लीकेशंस विथ ब्लूजे नाम का जो सब्जेक्ट है उसमें हम स्ट्रक्चर ऑफ ए जावा प्रोग्राम देखेंगे। तो क्लास नाइन्थ के सिलेबस में जितना स्कोप है उतना ही हम यहाँ पर देखेंगे। ये बिल्कुल इनिशियल और बिगिनिंग स्टेज की जानकारी है। तो जावा का प्रोग्राम लिखना हम जब शुरू करते हैं तो सबसे पहली जो लाइन होती है वो जनरली कमेंट्स की होती है। तो कमेंट्स हम यहाँ पे कैसे लिखते हैं कि ये जो हमें फॉरवर्ड स्लैश दिखते हैं दो फॉरवर्ड स्लैश के आगे हम जो भी लिखेंगे यहाँ पे एक लाइन में उसे कमेंट माना जाएगा। तो इस कमेंट के अंदर आप अपने प्रोग्राम के बारे में जानकारी लिख सकते हैं जो आपके भी काम आ सकती है और ऐसे लोगों के काम आ सकती है जो आपका प्रोग्राम आपके बाद पढ़ेंगे। तो दूसरे लोगों को समझ में आने के लिए कि आपने ये प्रोग्राम क्यों बनाया है, या आप कमेंट का इस्तेमाल कर सकते हो। तो कमेंट हम दो तरह से लिख सकते हैं। सिंगल लाइन में अगर कमेंट लिखनी है एक ही लाइन के अंदर तो हम डबल फॉरवर्ड स्लैश यहाँ पे देंगे। तो कमेंट्स आप जितने चाहो उतनी लाइनें लिख सकते हो, लेकिन हर एक लाइन के आगे डबल फॉरवर्ड स्लैश देना होगा। तो यह है सिंगल लाइन कमेंटिंग। और अगर आपको पहले से ही पता है कि आपको काफ़ी लंबी कमेंट लिखनी है तो आप इस नोटेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें हम एक फॉरवर्ड स्लैश देके एक स्टार देते हैं, फॉरवर्ड स्लैश और स्टार। फिर उसके बाद आप एक लाइन लिखिए, फिर दूसरी लाइन की शुरुआत जो है वो स्टार से कीजिए और फिर दूसरी लाइन लिखिए, और उसके बाद जितनी चाहिए लाइनें लिखने के बाद जब आपको एंड करना है उसे तो एंड करते समय स्टार के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश। तो शुरुआत होगी फॉरवर्ड स्लैश स्टार से और हर एक लाइन की शुरू में हमें एक एक स्टार देते जाएंगे और एंड होगा स्टार फॉरवर्ड स्लैश से। तो ये होगा एक कमेंट ब्लॉक। तो लंबे लंबे कमेंट्स अगर आपको लिखने हैं प्रोग्राम को एक्सप्लेन करने के लिए तो आप कमेंट ब्लॉक का इस्तेमाल कर सकते हो। अब इसके बाद हम सबसे छोटा जावा प्रोग्राम देखेंगे, जो कि आमतौर पर सबसे पहला प्रोग्राम हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सीखते समय लिखते हैं, हेलो वर्ल्ड वाला। तो ये सबसे छोटा जावा का प्रोग्राम हम इसे कह सकते हैं। तो हमने इसकी शुरुआत यहाँ से की है, पब्लिक क्लास हेलो वर्ल्ड। तो यहाँ पे हम एक क्लास डिक्लेयर करते हैं और इसकी शुरुआत जो है पब्लिक से की है हमने। पब्लिक को कहते हैं एक्सेस स्पेसिफायर, और क्लास जो है ये हमारा कीवर्ड है, और हेलो वर्ल्ड जो है ये यूज़र गिवन नेम है, यानी कि आप अपने क्लास को जो नाम देना चाहते हैं वो यहाँ पर दे सकते हैं। तो ये हुआ आपके क्लास का नाम। तो क्लास का नाम लिखने के बाद हम एक ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट यहाँ पे देते हैं। कर्ली ब्रैकेट से शुरुआत होगी और कर्ली ब्रैकेट से एंड होगा इसका। तो ये हुआ क्लास ब्लॉक, यानी क्लास की शुरुआत जहाँ से होगी और क्लास का एंड जहाँ पर होगा वहाँ पे एक एक कर्ली ब्रेस होगा, कर्ली ब्रैकेट होगा। ओपनिंग कर्ली ब्रैकेट और क्लोजिंग कर्ली ब्रैकेट, या ब्रेस भी कह सकते हैं इसे, कर्ली ब्रेसेस। तो यहाँ से यहाँ तक जो है ये क्लास ब्लॉक हुआ। क्लास ब्लॉक के भीतर हमको एक मेन फंक्शन डिफाइन करना होता है। तो ये मेन फंक्शन में हमने क्या लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन इन ब्रैकेट स्ट्रिंग। यहाँ पे स्ट्रिंग में जो एस जो है वो कैपिटल है और ये जो बाकी सारी जो चीज़ें हैं ये स्मॉल लेटर्स में है। स्ट्रिंग के बाद हमने एक स्क्वायर ब्रैकेट का पेयर दिया है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्क्वायर ब्रैकेट्स। उसके बाद एक स्पेस देकर ए आर जी एस हमने लिखा है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ए आर जी एस ब्रैकेट क्लोज। तो ये हुआ मेन फंक्शन का डिक्लेरेशन। ये मेन जो है ये फंक्शन है, हेलो वर्ल्ड हमारा क्लास है, हेलो वर्ल्ड के भीतर हमने यहाँ पे मेन फंक्शन लिखा है। और जो फंक्शन होता है, फंक्शन की भी जो शुरुआत है
इसकी जो डेफिनेशन है, इसके अंदर हमें जो भी करना है वो हम कर्ली ब्रेसेस के अंदर करते हैं। तो यहाँ पे एक ओपनिंग कर्ली ब्रेस है, यहाँ पे एक क्लोजिंग कर्ली ब्रेस है। तो ये हुआ फंक्शन ब्लॉक। तो फंक्शन ब्लॉक जो है वो क्लास ब्लॉक के अंदर नेस्टेड होता है। तो ये ब्रैकेट्स या ब्रेसेस कहाँ से शुरू हुए हैं, कहाँ ख़त्म है, समझने के लिए हम इनमें यहाँ पे इंडेंट देते हैं। तो इंडेंटेड देने की वजह से हमको झट से समझ में आता है कि ये इस ब्लॉक का हिस्सा है। और फंक्शन ब्लॉक में हमने एक ही एग्जीक्यूटेबल सेंटेंस लिखा है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पे सिस्टम का एस कैपिटल है और बाकी सभी हमने स्मॉल लेटर्स में लिखा है। और ब्रैकेट्स के अंदर यहाँ पे हमने ब्रैकेट्स दिए हैं, ब्रैकेट्स के भीतर हम डबल कोट लिखेंगे। तो प्रिंट में जो भी हम टेक्स्ट आउटपुट के लिए लिखते हैं, यानी जो स्क्रीन के ऊपर प्रोग्राम के आउटपुट की तरह डिस्प्ले होगा, वो हमको डबल कोट्स में लिखना होता है और उसे हम ब्रैकेट्स के अंदर ये हम इसको एनक्लोज करते हैं। तो यहाँ मैंने सिर्फ हेलो ब्लू जे लिखा है और यहाँ पे इसके एंड में एक सेमी कोलन है। देखिए सेमी कोलन यहाँ भी नहीं, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, लेकिन यहाँ पर है। तो सेमी कोलन कहाँ होता है, फंक्शन के अंदर जो हम एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स लिखते हैं। तो एग्जीक्यूटेबल सेंटेंसेस के आगे या एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट्स के आगे हम सेमी कोलन देते हैं। फिर हमने यहाँ पे क्लोजिंग ब्रेस दिया, फंक्शन ब्लॉक यहाँ पे हमारा क्लोज होगा और क्लास ब्लॉक हमारा यहाँ पे क्लोज होगा। तो पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने इसी तरह का एक प्रोग्राम रन किया था। तो रन करने के लिए हमें ब्लूजे का प्रोग्राम ओपन करके उसमें एक नया प्रोजेक्ट बनाना होगा और उस प्रोजेक्ट के अंदर एक नया क्लास क्रिएट कीजिए हेलो वर्ल्ड नाम से, और उस क्लास के आइकॉन को आप डबल क्लिक करके ओपन कीजिए। उसमें का जो डिफ़ॉल्ट प्रोग्राम है उसे कंट्रोल ए करके डिलीट कर दीजिए और फिर उसके अंदर वो जो एडिटर है उसके अंदर ये प्रोग्राम लिखिए। लिखने के बाद उसे सेव कीजिए और फिर उसे कंपाइल कीजिए और फिर उसे रन कीजिए। तो रन करने पर ये हमें आउटपुट में हेलो ब्लूजे दिखाई देगा। तो ये हुआ एक स्मॉलेस्ट जावा प्रोग्राम, सिर्फ जो जावा का स्ट्रक्चर है वो समझने के लिए। अब इसके बाद एक हम लंबा सा प्रोग्राम लेके देखते हैं, थोड़ा सा इसे थोड़ा सा लंबा प्रोग्राम बनाकर देखते हैं। अब हम जावा का एक और प्रोग्राम देखेंगे। इस प्रोग्राम में जो हमारा मेन फंक्शन है, यानी जो प्रोग्राम का जो मेन हिस्सा है, उसको हमने नाम दिया है टेस्ट फ्रूट्स, पब्लिक क्लास टेस्ट फ्रूट्स। और पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन ये जो फंक्शन है ये हमने इस क्लास में डिफाइन किया है। और इसके अलावा जो ऊपर तीन क्लासेस हमको दिखाई देते हैं, ये क्लासेस हमने क्रिएट किए हैं जिसका इस्तेमाल करके हम उसके ऑब्जेक्ट्स बनाएंगे इस प्रोग्राम के अंदर, ये प्रोग्राम के इस हिस्से में। तो पहले वाले जो तीन क्लासेस हैं और फिर चौथा क्लास है, और ये जो सारा का सारा कोड है ये जाएगा इनसाइड ए क्लास। ब्लूजे का जो प्रोग्राम है उसके अंदर एक नया प्रोजेक्ट क्रिएट कीजिए, उसको कोई भी नाम दीजिए आप। उसके बाद में न्यू क्लास क्रिएट कीजिए, वो जो न्यू क्लास होगा उसका नाम होगा टेस्ट अंडरस्कोर फ्रूट्स। और फिर उसके अंदर ये सारा कोड हमको पेस्ट करना है। ये कोड आपको इस वीडियो के नीचे जो कमेंट्स बॉक्स है उसके अंदर मिलेगा, वहाँ से आप कॉपी करके उसको पेस्ट कर सकते हो। तो हम देखते हैं कि इसमें हमने किस तरह से ये प्रोग्राम बनाया है। इसके अंदर हमको शुरुआत की है हमने क्लास मैंगो से। इसके अंदर हमने टेस्ट नाम का एक फंक्शन डिफाइन किया है, पब्लिक वॉइड टेस्ट। और इस फंक्शन के अंदर सिस्टम आउट डॉट प्रिंट ln yummy, तो सिर्फ हमने एक स्टेटमेंट ऐड किया है। और फिर फंक्शन के जो ब्रैकेट्स हैं क्लोज़ किए, क्लास के जो ब्रैकेट्स हैं क्लोज़ किए। ये हो गया क्लास मैंगो। उसके बाद ऐसे हमने क्लास एप्पल क्रिएट किया, उसके साथ क्लास ग्रेप क्रिएट किया। तीनों के अंदर हमने फंक्शन का एक ही नाम रखा है, क्योंकि जब हम फंक्शन को कॉल करते हैं प्रोग्राम के अंदर तब हम उस क्लास का जो ऑब्जेक्ट होता है उसके साथ कॉल करते हैं।
इसलिए जब हम मैंगो के ऑब्जेक्ट के साथ टेस्ट को कॉल करेंगे तो मैंगो के अंदर जो डिफाइन किया हुआ फंक्शन है वही कॉल होगा। इसलिए अलग अलग क्लासेस में फंक्शंस के नाम एक जैसे भी हों तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। तो तीन क्लासेस बन गए। तो हमारा जो मेन यहाँ पे जो क्लास है यहाँ पर पब्लिक क्लास टेस्ट अंडरस्कोर फ्रूट्स पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग ARGS। फिर यहाँ पर हम इसके पहले अगर आपने किसी दूसरे लैंग्वेज में प्रोग्रामिंग अगर सीखी होगी तो आपको शायद पता होगा कि जब हम कोई वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं यानी कि हमको किसी तरह का डेटा अगर स्टोर करना हो प्रोग्राम के अंदर तो उसके लिए हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं। तो वेरिएबल्स जो होते हैं उनके टाइप्स होते हैं अलग अलग, जैसे इंटीजर वेरिएबल हो या कैरेक्टर वेरिएबल हो, तो इनको प्रिमिटिव डेटा टाइप्स कहते हैं। तो अगर हम किसी वेरिएबल को इंटीजर वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं तो उसके अंदर हम कोई भी इंटीजर वैल्यू स्टोर करने के लिए उसका इस्तेमाल करते हैं। तो हम इन्फॉर्म करते हैं कि यहाँ पे कि ये जो वेरिएबल इसके अंदर इंटीजर हमको स्टोर करना है। लेकिन यहाँ पर जो हमने नाम दिया है इसका नाम है मैंगो। तो मैंगो क्या है, मैंगो हमने एक क्लास की तरह डिफाइन किया है और क्लास का नाम ही हमने यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए लिया है। तो ये कैसे हुआ, तो ये ऐसे है कि यहाँ पर क्लास को हमने एक डेटा टाइप की तरह इस्तेमाल किया है तो इसको कहते हैं रेफरेंस डेटा टाइप। तो एक जावा के अंदर एक क्लास को एक डेटा टाइप की तरह हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन वो होता है रेफरेंस डेटा टाइप। तो रेफरेंस डेटा टाइप में जो हम उस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं, क्लास का ऑब्जेक्ट यानी क्या कि उस क्लास का एक इंस्टेंस, उसको कहते हैं एक ऑब्जेक्ट। तो ये जो इंस्टेंस कैसे क्रिएट होता है, वो होता है न्यू कीवर्ड से, न्यू मैंगो और ये दो ब्रैकेट्स हैं। अगर हम क्लास के नाम को दो ब्रैकेट्स के साथ लिखते हैं तो इसको डिफ़ॉल्ट कंस्ट्रक्टर कहते हैं। तो न्यू मैंगो लिखने से इस क्लास का एक इंस्टेंस क्रिएट होता है और उस इंस्टेंस को हम इस वेरिएबल को असाइन करते हैं। उस इंस्टेंस की जो लोकेशन है वो जिस जहाँ पर वो क्रिएट किया गया है उस लोकेशन को हम इस वेरिएबल के अंदर स्टोर करते हैं, इसलिए इसको रेफरेंस डेटा टाइप कहते हैं। और प्रैक्टिकल पर्पस के लिए ये जो वेरिएबल है इस वेरिएबल को ही हम इसका ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो हम सबसे पहले ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं मैंगो एम। हमारे पास जितने भी क्लासेस हैं हर एक क्लास का अपना अपना ऑब्जेक्ट होता है। तो मैंगो क्लास के लिए मैंगो का ऑब्जेक्ट होगा, एप्पल क्लास के लिए एप्पल क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, ग्रेप क्लास के लिए ग्रेप क्लास का ऑब्जेक्ट होगा। इस तरह से हम हर एक क्लास के लिए अलग अलग ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं। तो ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के ये दो टाइप्स हैं, इस तरह से आप कर सकते हो मैंगो एम और एम इज इक्वल टू न्यू मैंगो, या फिर एक ही लाइन में भी कर सकते हैं एप्पल ए इज इक्वल टू न्यू एप्पल। यहाँ पर हमने वेरिएबल भी डिक्लेयर किया रेफरेंस डेटा टाइप से और फिर उसके बाद में इस क्लास का एक इंस्टेंस भी क्रिएट किया और उस इंस्टेंस का रेफरेंस जो है हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया इस तरह से। तो जब हमारे ये ऑब्जेक्ट्स बन जाते हैं तो उन ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके हम जिस क्लास के ये ऑब्जेक्ट्स हैं उस क्लास में जो फंक्शंस हैं उन फंक्शंस को हम कॉल कर सकते हैं। तो एम डॉट टेस्ट लिखने से मैंगो क्लास के अंदर जो टेस्ट फंक्शन है उसको हम कॉल कर सकते हैं। इस तरह से आप जावा के अंदर क्लासेस से ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। तो इसीलिए जावा को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी कहा जाता है। तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स से इस प्रोग्राम को कॉपी करके आप इसे ब्लू जे के एक नए प्रोजेक्ट में सेव कर लीजिए। टेस्ट अंडरस्कोर फ्रूट्स दिया हुआ है, ये सारा कोड इस क्लास में सेव कर लीजिए और फिर उसके बाद इसको कंपाइल कर लीजिए। अगर कंपाइलेशन सक्सेसफुल हुआ तो आपको स्क्रीन के नीचे बॉक्स में मैसेज दिखाई देगा। कंपाइलेशन सक्सेसफुल होने के बाद में ये विंडो क्लोज कर दीजिए और फिर जो क्लास का आइकॉन है उसके ऊपर राइट क्लिक कीजिए
वहाँ से वाइड मेन स्ट्रिंग ARGS इस पर क्लिक कीजिए। उसके बाद एक और विंडो ओपन होगा, उसके अंदर आपको सिर्फ ओके पर क्लिक करना है, तब आपको आउटपुट का विंडो स्क्रीन पर दिखाई देगा। आप चाहो तो उसे एनलार्ज कर सकते हो, तो इसमें आपको आपके प्रोग्राम का आउटपुट दिखाई देगा। तो इस तरह से ब्लूजे में आप जो है ये सैम्पल प्रोग्राम रन करके देख सकते हैं। तो इस वीडियो में हम यहीं रुकते हैं, अगली इसके आगे की जानकारी हम आगे के वीडियो में लेंगे।